मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ स्टार्ट द अनदर पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग राइट यस्टरडे वी हैड कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस दैट वॉज इवन द हेडिंग एंड द इंट्रोडक्शन राइट सो कल हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन कवर किया था और साथ ही साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली थी पहला जो हेडिंग हमारा था हेडिंग के बारे में कि हेडिंग क्या होती है एंड वी जस्ट बिकेम अवेयर देयर कि पहली लाइन हमारी जो होती है वो एड्रेस से शुरू होती है देन आफ्टर वी हैव जस्ट टू राइट जस्ट बिलो देम द डेट्स राइट डेट का फॉर्मेट भी हमने चेक करा था कि क्या डेट का फॉर्मेट एक्चुअल में होता है एंड आज हम लोगों को कवर करना है सैल्यूटेशन राइट आज हम लोगों को क्या कवर करना है आज हम लोगों को कवर करना है सैल्यूटेशन राइट सो स्टूडेंट्स द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन इन विच यू स्टैंड टू द पर्सन और टू हुम यू आर राइटिंग राइट लाइक टू मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डियर फादर माई डियर मदर डियर अंकल डियर हरी एटसेट्रा राइट सो इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर सैल्यूटेशन की बात करते हैं सो सैल्यूटेशन वॉट एक्चुअली सैल्यूटेशन इज राइट सो दीज आर नोन एज ग्रीटिंग टेक्स्ट राइट ग्रीटिंग टेक्स्ट अब ये ग्रीट का मतलब क्या होता है तो कैसे आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं राइट कैसे आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रीटिंग टेक्स्ट राइट जैसे कि किसी को आप सम्मान दे रहे होते हैं टू पे रिस्पेक्ट बड़े नॉर्मल जो है लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि रिस्पेक्ट पे करना क्या कहलाता है ग्रीट करना कहलाता है राइट सो अब जब बात आती है कि कैसे आपको ग्रीट करना है तो इस ग्रीटिंग के मायने बदल जाते हैं राइट एंड हाउ दिस विल बी चेंज्ड दिस विल बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप को जैसे पर्सन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे इसके मैटर्स बदल जाते हैं राइट अब हम देखते हैं कि क्या 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 चेंजेस आते हैं सो लेट मी टेल यू एज यू कैन सी दैट द फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स और द रिलेटिव्स राइट सो आपने यहाँ पे क्या लगाया डियर का यूज किया डियर देसाई और डियर रामचंद्र दैट इज द योर फेमिलियर पीपल राइट टू होम यू आर वेरी वेल अवेयर जिनसे कि आप बहुत अच्छी तरह से घुले मिले हैं बट देयर इज द अनदर पर्सनैलिटीज दैट इज द बिजनेस पीपल एंड यू हैव ऑल्सो यूज हियर डियर सर दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू राइट एनी काइंड ऑफ नेम यहाँ पे हमने उनके साथ कोई नाम नहीं जोड़ा है ना बल्कि हमने सर और मैम कह करके हम यहाँ पे अपने लेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे राइट मीन्स ओवरऑल यू कैन से दैट डियर इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू आइडेंटिफाई टू इंट्रोड्यूस योर लेटर राइट नाउ लेट मी टेल यू द कम्युनिकेशन और द बॉडी ऑफ द लेटर दैट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट बिकॉज दिस वन इज द कंपल्सन ऑफ द लेटर एंड दिस विल टेल यू वॉट यू आर गोइंग टू राइट एग्जैक्टली राइट सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है दिस इज ऑफ कोर्स द लेटर इटसेल्फ एंड द स्टाइल इन विच इट इज रिटन विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ लेटर यू विश टू राइट द स्टाइल ऑफ अ लेटर टू एन इंटीमेट फ्रेंड्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्योरली बिजनेस लेटर और एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन बट अ फ्यू हिंट्स दैट अप्लाई टू ऑल द लेटर्स आर गिवन बिलो मीन्स कि ये जो एक्चुअल में यही लेटर होता है राइट एक्चुअल में तो यही लेटर होता है लेकिन इसके राइटिंग का जो स्टाइल होता है दैट विल वेराई ये क्या होगा बदलेगा और कैसे बदलेगा तो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग राइट मीन्स कैसे पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है सो इफ यू आर राइटिंग अ लेटर राइट टू हुम that is very close to you that will be definitely very different from that is the purely business letter yani aap ek parivarik patra ko vyavsayik patra ki tarah se nahi likhenge but what actually you have to write the ways you will think here divide your letter
unless it is very short, into paragraphs to mark change of the subject matters, right? अगर आप letter write करते हैं तो letter writing में content चाहे आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसे paragraph में divide करें, right? That must be divided into paragraph, definitely. And for what it will be done? It will be done to change the subject matter. ताकि subject matter कहाँ पे बदला हुआ है, that will be easily understandable, right? Now, use simple and direct language and short sentences. Do not try to be eloquent and drag in line words just because they are long words. Be clear about what you want to say and say it as directly as possible. लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए एंड ऐसा ना हो कि चूंकि आपके पास वर्ड लिमिटेशन है तो इट मस्ट बी रिटन इन अ शॉर्ट सेंटेंसेस टू, राइट? उसको बहुत एलिबरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड लाइन मस्ट नॉट बी ड्रैग इन लॉन्ग वर्ड्स, मतलब बहुत गोल गोल घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है ना? एंड जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी लिखना है, दैट मस्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से. आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव वो जो है एकदम बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना? और उतने आसानी से कहिए इसको, उतने सीधे तरीके से कहिए जितने सीधे तरीके से इसको लिखना पॉसिबल हो. एंड ट्राई टू बी कंप्लीट. इट इज़ अ साइन ऑफ सॉल्वेंटली थिंकिंग व्हेन यू हैव टू ऐड पोस्ट स्क्रिप्ट एट द एंड अ लेटर. थिंक आउट व्हाट यू वांट टू से बिफोर यू बिगिन टू राइट एंड पुट डाउन योर पॉइंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले अपने पूरे के पूरे कंटेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, है ना? एंड इट इज़ अ साइन ऑफ सॉल्वेंटली थिंकिंग व्हेन यू हैव टू ऐड पोस्ट स्क्रिप्ट. जब कभी भी आप लेटर राइट कर रहे हैं, लेटर राइटिंग के समय में पहले तो आप प्रीमोनिशन कर लीजिए, वो क्या कहते हैं ना, प्रेडिक्शन कर लीजिए आप एक तरह से, लगभग पहले से कुछ वर्ड अज्यूम कर लीजिए. एंड देन आफ्टर जब आप उस पर राइट करते हैं तो राइटिंग करने के पहले भी एक बार सोच लीजिए प्रॉपरली कि क्या आपको लिखना है एक्चुअल में, राइट? एंड जब भी कभी आप लिखिए तो सारे के सारे आपके जो कंटेंट्स होने चाहिए, अपने पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यूज होने चाहिए, वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि उनको उठा करके कहीं से भी आपने रख दिया, राइट? देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, राइट नीटली. रिमेंबर दैट योर करस्पोंडेंट हैज़ टू रीड व्हाट यू राइट एंड डू नॉट गिव हिम अननेसेसरी ट्रबल विथ बैड पेनमैनशिप एंड सॉल्वेंटली राइटिंग. ये ध्यान रखिए कि जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए, एज यू नो दैट राइटिंग स्किल्स मार्क्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डेफिनेटली इट विल ऑल्सो गोज फॉर द राइटिंग पर्पज, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग नीटली देन यू विल बी एबल टू हैव दीज मार्क्स, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो ध्यान इस बात का रहे कि जितना साफ सुथरा आप लिख सकते हैं लिखें. एंड इस बात का ध्यान रहे कि रिमेंबर दैट योर करस्पोंडेंट हैज़ टू रीड, यानी जो कुछ भी आप, जो कोई भी आपका कॉपी या जो कोई भी आपकी अनुसूचित देखेगा वो उसे चेक करने वाला होगा, तो उसे बहुत ट्रबल ना हो, इसलिए कि उसको आपका स्टेटमेंट ही समझ में ना आए. आपने कुछ लिखा एंड ही इज़ अनेबल टू स्टडी, ही इज़ अनेबल टू रीड, ही इज़ अनेबल टू गेट द मीनिंग, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट? तो इतना ध्यान रखिए कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं कम से कम वो पढ़ने वाले के समझ में आ जाए, राइट? नाउ माइंड योर पंक्चुएशन, पुट इन कॉमास एंड सेमी कॉलन्स एंड फुल स्टॉप्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. इन करेक्ट पंक्चुएशन में आफ्टर द होल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, राइट? अब देखिए पंक्चुएशन का बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉलम लगाने हैं, कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे लेटर्स को कैपिटल करना है, राइट? तो दीज पंक्चुएशन मार्क्स ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, राइट? तो इनका जो क्रम है, इनका जो तरीका है, इनका जो पैटर्न है, आपको फॉलो करना होता है. एंड अगर आपने पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ नहीं किया तो मीनिंग क्या हो जाती है, बदल जाती है. प्रॉपर ऑर्डर में अगर आपने पंक्चुएशन नहीं रखा देन मे बी द मीनिंग विल बी डिफर, राइट? नाउ द वर्ड दैट इज यूज्ड एज द सब्सक्रिप्शन, एज यू कैन सी, राइट? सो द सब्सक्रिप्शन और द कोर्टियस लीव टेकिंग, ये फाइनल एक लीव लेने वाली बात होती है. अ लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली सिंपली विथ राइटिंग योर नेम.
This would look rude, so certain forms of polite leave taking are prescribed, such as yours sincerely, your sincere friend, yours faithfully. Different leave taking forms are used in different kind of letter, and these will be given under their proper heads. And the subscription or leave taking phrases must be written below the last words of the letter and to the right side of the page. This is the traditional method. Note that today there is a growing tendency of place the subscription on the left side. And the first word of the subscription must be begin with the capital letter as sincerely yours, right? तो देखिए ये एक तरह का leave taking होता है, and unfortunately आपने ऐसे ही letter में लिख दिया now just have me leave या फिर ऐसे कुछ, तो वो थोड़ा सा क्या होता है एक embarrassing feel कराता है readers को, right? वो थोड़ा सा rude जैसा हो जाता है. तो letter को क्या होता है, जितना politely आप लिख सकते हैं उतना पोलाइटली लिखने की कोशिश की जानी चाहिए. प्रेस्क्रिप्शन यही होना चाहिए दैट वी हैव टू यूज द वर्ड्स दैट शोज पोलाइटनेस, राइट? एंड फॉर दैट पर्पज यू जस्ट इंट्रोड्यूस हियर लाइक योर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर फेथफुली, राइट? उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा, आपने किसी रिलेशन में लेटर लिखा, सो बिहाफ ऑफ योर लेटर योर लीव टेकिंग सब्सक्रिप्शन विल बी चेंज्ड, right? And this subscription definitely must be written below the last word of the letter, यानी जहाँ पे भी आपके letter का आखिरी line खत्म होता है उसके नीचे, right? और अभी कहाँ, to the right side of the page, यानी page के right side में, page के right side में basically वो आपका क्या होता है, आपके according वो आपका left होता है, but page के according वो उसका right होता है. लेकिन ये आज का ग्रामेटिकल सेंस कहता है, आज की राइटिंग स्किल कहती है, इफ़ यू गो थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड, सो ट्रेडिशनल मेथड आपको यही सिखाता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता था, मींस अकॉर्डिंग टू यू दैट विल बी द राइट, राइट? देन आफ्टर द सिग्नेचर और द नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर और द नेम ऑफ द राइटर, this must come below the subscription, thus your sincerely and like the name is this. In letters to stranger the signature should be clearly written so the reader may know whom address in reply. A woman should prefix the name miss or mrs, kumari or srimati in brackets. Mrs can be used by a woman who does not wish to be called mrs or miss, right? And yours faithfully like Mrs. F.L. Desai. अब देखिए सिग्नेचर की बात आती है, तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्शन, जस्ट बिलो द लीव टेकिंग यू विल हैव टू राइट योर नेम, राइट? राइट योर नेम, दैट विल बी नोन एज द सिग्नेचर. अब ये कैसे लिखा जाता है, तो सिंसियरली के नीचे ठीक उसके नीचे नाम लिखना होता है. अगर कोई लेटर किसी स्ट्रेंजर को लिखा जा रहा है तो जो सिग्नेचर होता है वो क्लियरली लिखा जाना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो आसानी से समझ जाए कि whom to address in reply, कि उसे रिप्लाई किसको देनी है, मींस इस लेटर का राइटर कौन है. अगर कोई महिला है तो वो अपने नाम के आगे मिस और मिसेस कुमारी या श्रीमती जो है वो लिख सकती है, बट दैट विल बी रिटन इन ब्रैकेट्स, राइट? एंड एम एस कैन बी यूज बाई अ वुमन हु डज नॉट विश टू बी कॉल्ड. अगर कोई चाहती है कि उसका प्रोनाउंसिएशन मिस या मिसेस ना किया जाए, देन सी कैन ऑल्सो राइट एम एस, राइट? सो स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स. नाउ एट लास्ट द लास्ट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज इवन द एड्रेस ऑन द एनवेलप or the postcard, right? The address on the envelope or the postcard should be written clearly like this. As you can see, the address is given here, S. Chand Company Limited, Sri Ram Nagar, New Delhi, India. So first of all, you can see here the name of the organization, then after address along with the pin code, right? So first of all organization, then after address.
you will have to write in the same sequence, and that will also be right according to the page, but according to you it will be the left side, right? So students, I think this one is the formation of the writing a letter, right? And now you can see the last point of this. In a letter writing letter, first you write your address under it, the date, and the top right hand corner on the first page. You may alternatively write them on the left. Then write the salutation. Then after, beginning with the capital, putting a comma after it, all the salutation will be written. Next, begin your letter or the content in the right of the salutation. And at the end of the letter, write subscription or words of leave taking on the left side of the page with your signature below it, right? So you can also see here, the example is given. First, that may be the alternative process that can be right here also, and through this your letter will be written, right? So students, this one was the introductory to, and today we became aware with all the topics. And from tomorrow onwards, we will get the classification and the format of letter writing. Okay. So dear students, we will meet tomorrow with another video. Up to the time, thank you. Have a nice day. Letters का ये ध्यान रखना है, बस आपको जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि letter का ये ध्यान रखना है कि जितना clearly, जितना आपका objective clear होगा, उतना ही बेहतर आप letter writing करते हैं. Okay. Thank you.